नमस्कार। सो देखिए, अभी अभी राउंड 3 का रिजल्ट है ऑल इंडिया कोटा का, और एक क्वेश्चन मेरे पास पेड क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चलो सबके लिए जवाब दे दूँ, क्योंकि आप लोग घबराते हो जिस तरीके से आप पढ़ते हो, और ख़ासकर काफ़ी बच्चे ऐसे जिनका यूपी में राउंड 2 में उनके पास सीट थी या किसी भी और राज्य में, और इसलिए देखिए वो जो एक्सटेंड किया जाता है ना डेट रिजाइग्नेशन का, वो इसलिए किया जाता है ताकि टिपिकली स्पीकिंग, जैसे हरियाणा से मैं इससे नाराज़ था कि उन्होंने जो डेट्स निकाली थी रेजिग्नेशन की वो 8 और 9 निकाली थी, जबकि स्टेट की रेजिग्नेशन डेट हमेशा बाद में होनी चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के रिजल्ट आने के बाद जो ऑफिशियल रेजिग्नेशन अलाउड है, ताकि आप को अगर ऑल इंडिया कोटा में मतलब MCC राउंड 3 काउंसिलिंग में कोई भी सीट मिल गई तो फिर आप स्टेट की सीट आराम से इस्तीफा दें और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑल इंडिया ज्वाइन कर ले। इस तरीके से सीक्वेंस चलती है। बट हरियाणा ने पता नहीं क्यों 2 दिन पहले कर दिया, उत्तराखंड ने आपको रेजिग्नेशन के 14 दिन तक का टाइम दे रखा है, ताकि जिस जिसके ऑल इंडिया कोटा में सीट आई है वो उत्तराखंड की अपनी स्टेट की सीट को चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो छोड़ सकता है आराम से, यूपी में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूपी में लोग बहुत कन्फ्यूज हो रहे हैं 9 तारीख की डेट को लेकर। देखिए वो डेट का पर्पज़ ये था कि आप उस तारीख से पहले दे दोगे ना तो आप इससे 2 लाख रुपये कटेंगे, तो यूपी में रूल अब ये है कि यूपी में अभी भी रिजर्वेशन अलाउड है राउंड 3 के बाद, राउंड 3 के बाद भी अलाउड है, पर आपकी अब आधी फीस कटेगी जो आप यूपी में दे चुके थे। तो घबराइए मत, अभी भी आपको रेजिग्नेशन यूपी में अलाउड है, उत्तराखंड में तो डेट सही रेजिग्नेशन करने की, और तो जहाँ जहाँ आपको वो रेजिग्नेशन की अलाउंस है आप आराम से कर सकते हो, और कुछ स्टेट्स होते हैं इंडिया में जो राउंड 2 के बाद अलाउ नहीं कर रहे, या हर स्टेट की अपनी डेट्स हैं अपनी पॉलिसीज़ हैं, यूपी में पक्का है इतने समय उत्तराखंड में है तो उसके आप हिसाब से आप रेजिग्नेशन कर सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके, सो जैसा मैंने कहा कि होना तो ये चाहिए हर स्टेट बाद में डेट दे, और देनी चाहिए, मतलब पहले आपको ख़त्म नहीं करना चाहिए, अब चॉइस फिलिंग करा लो, रेजिग्नेशन वो रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन हमेशा स्टेट्स को राउंड 2 या राउंड 1 में भी सेम लॉजिक, राउंड 2 सीट ज्वाइन वालों को उतना टाइम देना चाहिए ऑल इंडिया का रिजल्ट आने के कम से कम 1-2 दिन बाद तक, ताकि वो उसके हिसाब से आपको रिजाइन कर सकें और आप अपनी सीट मैट्रिक्स फिर अपडेट कर सकें, और फिर आप अपना राउंड 3 का स्टेट वाले जो हैं अपना रिजल्ट निकालें डिपेंडिंग अपॉन दी टोटल सीट्स दैट यू हैव। तो लॉजिक यही कहता है, तो चिंता मत कीजिए, एटलीस्ट यूपी उत्तराखंड तो मेरी सामने नज़रों में है, अलाउड है, बिंदास आप जाके अपनी सीट रिज़ाइन करके और MCC काउंसिल में जो भी आपको सीट मिली है वो आप ले सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यूपी में तो मैंने आपको बता दिया वो 9 तारीख सिर्फ उसके लिए थी जिसको वो बचाना है, और हरियाणा ने भी बाई चांस 2 दिन दिए थे, इस तरह से आपको स्टेट बाय स्टेट खोलना पड़ेगा, और हर स्टेट में आपको एक तारीख दी होगी, क्योंकि बाई चांस ना वो मेरी टेबल पर सामने नहीं बना हुआ, पर जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं देखता हूँ कहीं पर, अगर जैसे कि रेजिग्नेशन का अलग से दे रखा है कि भाई किस डेट तक जाके आप रिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा ना करना चाहिए इन्हें, राइट। सो बेसिकली इट इज़ देयर जॉब कि भाई आप वो डेट दो कि दिस डेट तक नोटिस फॉर, ये तो राउंड देखो अब 4 अक्टूबर तो बहुत पुराना था, नोटिस फॉर सरेंडर अभी तक पंजाब में जैसे आया ही नहीं है राउंड 2 सीट छोड़ने का, तो उस तरह से इनको हमेशा सीट छोड़ने का समय देना होता है ताकि हम आराम से अपनी रिजाइन कर सकें। ओके, सो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, घबराइए मत, और इसी तरह जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय। आज हैप्पी दशहरा है, विजयदशमी फेस्टिवल डे है, और जिसे कहते हैं कि अच्छाई की बुराई पे जीत का दिन है, तो बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, 12 तारीख चल रही है आज, तो घबराए मत, बधाई जिसको सीट मिल गई है, आप अपने अपने स्टेट में जाके इस्तीफा दीजिए, यूपी में पक्का अलाउड है, उत्तराखंड में डेट है ही, पंजाब की मुझे डेट नज़र ही नहीं आई है, हिमाचल बल्कि हरियाणा ने सिर्फ पहले ख़त्म कर दिया था, उसका मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया भी था कि जो MCC राउंड 3 देख रहा है उसको जाके हरियाणा में इस्तीफा देना ही पड़ेगा, तो उन्होंने डेट्स ऐसे रखी थी जो गलत रखी थी, बिकॉज दे शुड हैव रिवाइज्ड। ओके, एक बार राजस्थान में चेक कर लेते हैं क्या उन्होंने डेट आगे दे रखी है। मैंने कहा ना कि 15 तारीख को रिजल्ट आना राजस्थान का, पर हरियाणा का तो पर्पज़ ये था कि इनको उतना समय देना चाहिए था कि जो पुराने लोग हैं वो आके अपना रिज़ाइन आराम से कर सके, जो भी राउंड 2 में आपने सीट ली है, ताकि कोई दिक्कत वाली बात ना हो, ठीक है ना। तो ये है,
मैं वही चेक कर रहा हूँ कि राजस्थान का भी अब देखना पड़ेगा। तो आप देखिए स्टेट्स के रूप में है। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेस आने वाले 20 दिनों के लिए कि आपको अपनी मनचाही सीट जल्दी से जल्दी मिले। बाय बाय।